तर टीम इंडियाने वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर संपूर्ण देशात जल्लोष साजरा केला जातो. यातच कॅप्टन रोहित शर्माने आंतरराष्ट्रीय टी ट्वेंटी मधून निवृत्ती जाहीर केली. तर विराट कोहलीने फायनलमध्ये सामनावीर म्हणून निवड झाल्यानंतर टी ट्वेंटी वर्ल्ड कपमध्ये निवृत्ती घेत असल्याची माहिती दिली. हा माझा शेवटचा टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप असल्याचं कोहली म्हणाला. टीम इंडियाने वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर खरं तर देशभरात जल्लोष साजरा केला जातो. यातच कॅप्टन रोहित शर्माने आंतरराष्ट्रीय टी ट्वेंटी मधून निवृत्ती जाहीर केली. तर विराट कोहलीने फायनलमध्ये सामनावीर म्हणून निवड झाल्यानंतर टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप मधून निवृत्त होत असल्याची माहिती दिली. हा माझा शेवटचा टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप असल्याचं कोहली म्हणाला. मेरे को अभी किसी ने बताया भाई यू स्टार्टेड इन 2007 यू वन द वर्ल्ड कप एंड यू लीविंग द गेम विनिंग द वर्ल्ड कप सो दैट्स अ टेलरमेड सिचुएशन फॉर मी बेस्ट. मतलब मैंने स्टार्ट किया था जब पहली बार इंडियन टीम में आया था 2007 में. पहला मेरा चैलेंज था ऑब्वियसली मैं आयरलैंड गया था 50 ओवर के लिए. बट उसके बाद तुरंत ही हम साउथ अफ्रीका गए थे टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप खेलने के लिए और वहाँ पे जीते. उसके बाद अभी ये तो फुल सर्किल प्रॉपर सर्किल सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस. तो वो 2000 फाइनल के लास्ट ओवर में आपने एक छक्का मारे थे दैट बिकेम वेरी वाइटल. वो अभी भी लाइक याद है? याद है. देखो अभी हम तो उस टाइम पे इतने छोटे थे 20 साल के थे. तो जो जैसे मैं अभी हमारे मेरे प्लेयर्स को यही बोलता हूँ कि अपना अपना जो रोल है वो करने की कोशिश करो. तो मेरा उस टाइम पे रोल था कि मैं तभी 5 या 6 नंबर पे बैटिंग करता था. तो उस टाइम पे फिनिश अच्छा करना बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे हमारे लिए. उस टाइम पे 140-150 एक अच्छा स्कोर होता था. तो मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था कि कैसे भी करके 150 के आसपास पहुंच जाए. एंड इवेंचुअली आई थिंक वी एंडेड अप समवेयर अराउंड दैट 150 के आसपास. तो इट वाज अ अगेन उस टाइम पे लर्निंग स्टेज था मेरा. सीख रहा था चीज़ें. And now, obviously, जैसे मैंने बोला कि it's come to a full circle. I'm a like I understand game much better now, having played the game for so many years. So it's been brilliant. Rohit, test captain, one day captain, और T20 captain, ये जरा मुश्किल है बहुत क्योंकि हर ball पे बदलता जाता है. बिल्कुल. देखो, I think it's a big challenge to play all three formats and let alone captaining it. I think हमारे लिए भी players के लिए भी बहुत difficult होता है. क्विकली अडेप्ट करना टेस्ट मैच जब आप खेल रहे हो आपको थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे अपने गेम अपने बैट्समैनशिप पे काम करना पड़ता है ध्यान देना पड़ता है. टी ट्वेंटी में जब आप आते हो आपको अलग अलग तरीके के शॉट्स खेलने पड़ते हैं स्टार्टिंग से ही क्योंकि मैं ओपन करता हूँ.